हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में देखें हम ये बॉक्स प्लेट की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत सी कॉटन की ड्रेस बनाने वाले हैं कान्हा जी के लिए। पांच नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ, बट सेम ड्रेस आप चार नंबर और छह नंबर को भी पहना लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमें यहाँ पे अपनी चोली को बांधना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन मिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से करके हम यहाँ पे बांध लेंगे चोली। चोली को बांधने के बाद अपनी घेर जो है वो हम बांध लेते हैं। देखिए, घेर हम इस तरह से ऐसे फ्रंट पे करके बांधेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये इस तरह से करके हमें यहाँ पे बांध लेना है। ये ऐसे करके जब हम नेफा बनाते हैं तो हमारी फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है। आप देखें, बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा अभी कान्हा जी को, और जो ड्रेस है वो भी बहुत ही सुंदर है। एकदम डिफरेंट स्टाइल की मैंने आपको ड्रेस बनाना बताया है, वो भी आप घर पे बड़े मटेरियल से बना सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं यूज़ की है। ये हमने यहाँ पे डोरी को हाइड कर लिया है इस तरह से। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस आई है, और वो बहुत सुंदर लग रही है गाइस। आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। यहाँ से हल्का सा जब हम इस तरह से कर देंगे तो देखिए पूरी स्टैंड है, बिना पीछे से कोई सपोर्ट के अपने आप खड़ी हो गई है। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बुकरम का पीस लिया है। इसमें मैंने अस्तर का फैब्रिक प्रेस करके चिपका दिया है। अगर मैं आपको इसका डायमीटर बताऊँ तो देखिए 10 इंच का डायमीटर है। डायमीटर कैसे कट करना है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 0 से लेकर 6 नंबर तक के कान्हा का मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, इस पर येलो कलर का फैब्रिक मैंने प्रेस करके चिपका लिया है। अब हम यहाँ पे एक और अस्तर का फैब्रिक लेंगे, दोनों साइड से हम इसे कवर करेंगे। दूसरा वाला जो है वो हमने देखिए चारों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम अपने मशीन की सिलाई को लंबा रखेंगे और इसे पूरा हम राउंड पे सिल देंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। ये देखिए, हमने सिल दिया। सिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ऐसे सेंटर से मोड़ लेंगे। ये ऐसे करके मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद ये देखिए, जहाँ हमने नाखून लगाया है इसी के इस साइड से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, पूरे राउंड पे आएंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई को उतार देंगे। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। आपको देखिए दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसी सिलाई के सेंटर से हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो हमारे सर्कल में एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसे हमें निकाल लेना है। ये देखें, यहाँ पे हमारी बुकरम नहीं कट होगी, सिर्फ हमें अस्तर का फैब्रिक ही कट करना है। ये हमने कट कर दिया। ये देखें, ये हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए ये फैब्रिक लिया हुआ है अस्तर वाला ही अपना, इसी से हम अपनी पूरी ड्रेस बनाएंगे। इसकी जगह पे आप प्योर कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊं तो जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 3.25 इंच, मीन्स 3 इंच और 3.5 इंच के बीच में जितना आता है उतना। हमें क्या करना है, इसे देखिए प्रेस ना करें आप, बस इस तरह से ऐसे डबल मोड़ना है और यहाँ पे हमें नाखून लगा लेना है इस तरह से। ये देखें, ये ऐसे करके यहाँ पे प्रेस नहीं लगाना है, हमें सिर्फ नाखून लगा लेना है ऐसे, जिससे ये हमारा डबल हो जाए। ये देखिए हो गया है। अब हमने यहाँ पे ये ब्लू कलर में 1 इंच चौड़ाई की पट्टी ली हुई है, और इसकी लंबाई जो है वो 35 इंच है और इसकी भी लंबाई 35 इंच है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे मोड़ के प्रेस लगा लिया है। अब इसका ये जो फोल्डेड वाला हिस्सा है, देखिए ये फोल्डेड वाला हिस्सा वो हम अंदर की तरफ डालेंगे इस तरह से। ये दोनों को खोलना है, दोनों के बीच में इसे हमें ऐसे डाल देना है। ये देखें, अंदर की तरफ हमने डाल दिया। अब बस यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे करके अंदर डाल लेते हैं और सिलाई लगाएंगे। ब्लू वाला फैब्रिक हमारा थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहना चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिल दिया है। सिलते वक्त स्टार्टिंग में भी हमने अपनी सिलाई को लॉक किया था और एंड में भी लॉक किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम ये इस तरह से कट करेंगे।
एकदम सिलाई के पास से हमें कट करना है। ऐसा ना कट कर दीजिएगा कि सिलाई ही कट हो जाए। देखिए एक पॉइंट का मैं मार्जिन दे रही हूँ बस, और यहाँ पे इसे हम पूरा कट करेंगे। बहुत इजीली हो जाता है गाइस, एकदम सिंपल और आसान तरीका है। और ये जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ड्रेस बनाने के लिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखें, ये इस तरह से हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसे हमें पलटना है। बताती हूँ कैसे पलटेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बड़ी वाली सुई में धागा डाला हुआ है, इसे हम यहाँ ऊपर की साइड ऐसे सिल देंगे। ये दो बार, दो बार सिलने के बाद देखिए सुई को उल्टा करना है और यहाँ से इस तरह से निकाल देना है इसके अंदर से। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसे पलटने के, बट अगर आप बिगनर हैं तो सबसे ईजी तरीका यही है पलटने का। ये इस तरह से, ये देखें, ये हमने इधर से सुई को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे पूरा हम ओपन कर लेते हैं ये ऐसे करके। ये देखें अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा है इसे एकदम हल्के हाथों, देखिए ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से एकदम हल्के हाथों खींचना है। ये देखिए ये हमारा इजीली पलटता चला जाएगा। ये देखें, ये ऐसे करके ये पूरा हमने पलट दिया। आप देखें कितना आसान था इसे पलटना, बहुत इजीली पलट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पलटने के बाद ये हमने जो नॉट लगाई है, बस ये नॉट ही हमें कट कर लेनी है। कट करने के बाद धागे को खींच देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। अब इसे हमें बराबर करना है। ये देखें, ये इस तरह से ये हमने ऐसे ऐसे करके इसे निकाल लेना है पूरा। ये देखिए पतला सा पाइपिंग जैसा आ गया और इसे बनाने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। एकदम आसान सा तरीका मैंने इसे बनाने का आपको बता दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखें इसी तरह से इसे आपको पूरा निकाल लेना है पहले, ये ऐसे करके। ये देखें, ये इस तरह से ये मैंने निकाल दिया है। अब निकालने के बाद हम इसके ऊपर से एक बार प्रेस लगा लेंगे। ये देखें, तो चलिए लगा लेती हूँ प्रेस, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस लगा दिया। आप देखिए कितना अच्छा ये हमारा एकदम सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है। आप ध्यान से देखें कैसे फ्रिल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद एक फ्रिल हमें इधर से करना है और एक, अभी करके दिखा देती हूँ, एक फ्रिल का फेस जो है वो हम अपनी साइड रखेंगे और एक अपने अपोजिट साइड। ये देखिए ये हमने सिला, अब हम यहाँ से उठाएंगे और ये देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है, बस एक दूसरे के अगल बगल नॉर्मल हमें रख के स्टिच कर देना है। ये देखिए ये हमने उस अपने अपोजिट साइड रखा था, अब दूसरी वाली जो फ्रिल है वो अपनी साइड हम करके बनाएंगे। कहीं से भी फ्रिल हमारी एक दूसरे के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए, बस एक दूसरे के एकदम अगल बगल होनी चाहिए। ये इस तरह से हमने रखा और यहाँ पर सिलाई लगा दी। फिर हम पीछे से उठाएंगे, अब देखिए ये अपने अपोजिट साइड हमने इस तरह से फ्रिल बनाई है, ये हमने सिल दिया। और ये वाली जो इसके बाद वाली फ्रिल है वो हम अपनी साइड इस तरह से बना लेंगे इसका फेस, और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। बहुत बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी और बहुत झटपट में बन के रेडी हो जाएगी आपकी ड्रेस। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी बनाने में इसे। ये इस तरह से, ये देखें। तो चलिए मैं इसी तरह से यहाँ पे अपनी पूरी प्लेट जो है वो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखें ये हमारा हो गया है। इतने लंबे फैब्रिक में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितने इंच लंबाई की हमारी फ्रिल आई है, तो आप वो भी देख लीजिए। ये देखें, ये इस तरह से हमारी 10.5 इंच लंबाई आई हुई है। मैंने यहाँ पे काफ़ी लंबा पहले से ही फ्रिल बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमें ड्रेस में अपने चाहिए। तो चलिए हम अपनी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। और ये वाली जो फ्रिल हमने बनाई है, ये देखें, ये ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, बस इसी पे इस तरह से ऐसे रख के और यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी और लंबी हो जाएगी। ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर अपनी पूरी लंबी फ्रिल बनाई हुई है। इसमें कहीं से भी रेसा नहीं निकलेगा, हमारा फैब्रिक दोनों साइड से लॉक है और बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस। अब देखिए हम अपनी ये घेर लेंगे जो हमने बनाई हुई है, और इस पर हम इस तरह से रख के पूरे राउंड पे सिलेंगे। पीछे की साइड से हमारा देखिए हल्का हल्का सा निकला रहना चाहिए। तो चलिए मैं इसे सिलती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम इस तरह से कट करके हटा देंगे। ये देखें, ये हमने कट कर लिया। अब फिर हम इस फ्रिल को यहाँ ऊपर रखेंगे और फिर हम यहाँ अपने पूरे राउंड पे सिल लेंगे यहाँ ऐसे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे अपनी दो लेयर्स लगा ली हैं। अब हम अपनी तीसरी लेयर लगाएंगे यहाँ पे। इसे बराबर कर लेते हैं, इस तरह से मैंने बराबर कर दिया और ये यहाँ से हम लगा लेंगे। तीसरी लेयर में आप चाहें तो इस तरह से ऐसे छोटी छोटी फ्रिल डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसी तरह से सिल सकते हैं। चलिए इसे मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। सिलाई को लॉक जरूर करिए आप अपने। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बीच वाला जो मैंने एकदम लास्ट वाला लगाया है, ये वाला, इस पे देखिए छोटी छोटी सी हमारी फ्रिल आई हुई है, क्योंकि अगर हम फ्रिल नहीं डालते तो इतना अच्छा सा हमारा यहाँ पे सर्कल नहीं आता। अब हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद मैंने यहाँ पे और एक पट्टी ली है ब्लू कलर की। हम इसे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नेफा बनाना ही बताया है, तो वहाँ पर मैंने आपको और एक पट्टी भी कट करना बताया हुआ है, आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए सिलती हूँ इसे। ये देखिए सिलने के बाद हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा के बाकी का कट कर लिया। अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें देखिए पलट के इसे फ्रंट पे लेके आ जाना है, ये इस तरह से। ये फ्रंट पे ले आने के बाद हम यहाँ पे इसे ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये देखिए पहले डोरी कट कर लेते हैं। ये मैंने डोरी ले ली है, हम इसे देखिए मोड़ेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये ऐसे करके। ये मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ना है थोड़ा सा, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी डोरी को रखेंगे और इसे पलट के सिल देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आप अपनी सिलाई को लॉक जरूर करिए और दूसरी चीज़, डोरी के ऊपर से सिलाई मत लगाइए। चलिए सिल देती हूँ इसे मैं। ये देखिए कि हमारा जो घेर है वो रेडी हो गया। अब चलिए चोली बना लेते हैं। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है। लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। लंबाई मैंने 12 इंच और जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 4 इंच के करीब में। हमें क्या करना है, इसे ऊपर की साइड से इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। इसकी दोनों साइड ही जैसे ही ऊपर नीचे किधर से भी मोड़िए और उसके बाद देखें ऐसे करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। सिलने के बाद देखें हम इस तरह से इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद सेंटर से कट कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद यहीं पे हमें थोड़ी दूर तिरछी सी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये गोटा पट्टी वाली लेस ली है, हम इसी से यहाँ पे अपनी डोरी लगा देंगे। तो इस तरह से ऐसे रखना है और रखने के बाद इसे हमें स्टिच कर लेना है। चलिए सिल लेती हूँ, उसके बाद हमारी ये जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी ड्रेस यहाँ पे रेडी है, अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइज यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा जी को पहना दी है, 5 नंबर के कान्हा को पहनाई है, बट सेम ड्रेस आप 6 नंबर और देखिए ये 4 नंबर भी हैं, यहाँ पे 4 नंबर को भी पहना सकते हैं, 6 नंबर और 4 नंबर को भी आ जाएगी। तो इजिली बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।